आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं, वो भी रोज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपके आईब्रोज और आपके आईलैशेस का खूबसूरत होना आपके लुक्स को स्मार्ट बनाता है। हर लड़की ये चाहती है कि उनके आईब्रोज और आईलैशेस एकदम परफेक्ट हो। बहुत से लोग अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नकली आईलैशेस का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज जो मैं रेमेडी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, इसके इस्तेमाल से कम 15 दिन अगर आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लिया, यकीन मानिए आपको नकली आईलैशेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके साथ साथ आपके आईब्रोज का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहला मैं इंग्रेडिएंट जो ले रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। तो मैंने फ्रेश पत्ती काट ली है एलोवेरा जेल निकालने के लिए। अगर आपके पास फ्रेश पत्ती वाला एलोवेरा जेल नहीं है दोस्तों, तो आप मार्केट वाला भी एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि आप फ्रेश एलोवेरा पत्ती से ही जेल निकालें क्योंकि इसके आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखें, इसमें मैंने आपको लगाने का तरीका भी बताया है किस तरीके से आपको लगाना है। और जब भी आप फ्रेश एलोवेरा पत्ती लेते हैं दोस्तों, जब भी आप काटते हैं तो ऐसा कुछ येलो सा निकलता है, तो आपको इसे 5 मिनट के लिए कम से कम खड़े रखना है ताकि पूरा येलो इसका निकल जाए। और उसके बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। नीचे का हिस्से को आप थोड़ा सा कट करके, आप इस तरीके से साइड वेज में कट करके और इसका आप जेल निकालें। दोस्तों जो एलोवेरा जेल होता है वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है, तो जैसे मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ इस तरीके से आप एलोवेरा जेल को निकालें। कम से कम एक छोटा चम्मच एलोवेरा जेल आप ले लें। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है, हमारे हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और सेम वही काम ये हमारे आई लैशेस और आईब्रोज पर भी करता है, और इससे आपके आईब्रोज और आई लैशेस एकदम थिक और अच्छे होंगे। जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है विटामिन ई के कैप्सूल। ये पूरी स्ट्रिप आपको मिल जाती है दोस्तों किसी भी मेडिकल स्टोर में, आसानी से ये अवेलेबल रहती है और ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, साथ ही हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। चाहे आपके बालों की ग्रोथ हो, चाहे आपकी आईलैशेस की ग्रोथ हो, चाहे आईब्रोज की ग्रोथ हो, जहाँ पे विटामिन ई हमने इसमें ऐड कर दिया वहाँ पर आपकी ग्रोथ अच्छी होनी ही है। जो अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हम ले रहे हैं वो है कैस्टर ऑयल यानी कि एरंडल तेल। कैस्टर ऑयल भी हमारे बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हमें इसके मिलते हैं। तो केवल 3 इंग्रेडिएंट्स में हमारा ये जो रेमेडी है बिल्कुल तैयार हो गया है बन करके। तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। इस रेमेडी में हमने मिलाया है एक छोटा चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल, साथ ही इसे मिला है विटामिन ई की एक कैप्सूल और उसमें 1/4 चम्मच कैस्टर ऑयल। चलिए तो हमारी रेमेडी बन करके बिल्कुल तैयार है, इसे कैसे लगाना है वो भी देख लेते हैं। आप चाहे तो इस रेमेडी को किसी पुराने मस्कारा अगर आपके पास होगा, उसका ब्रश होगा, तो उससे भी आप लगा सकते हैं, लगाने में आसानी होगी। या फिर मेरी तरह जैसे मैं फिंगर की मदद से लगा रही हूँ उस तरीके से भी आप लगा के हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। और अच्छी बात यह है कि आप इस रेमेडी को स्टोर करके भी रख सकते हैं, कम से कम 1 हफ्ते के लिए आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं और डेली रात को आपको इस रेमेडी को अपने आईब्रोज पे और आईलैशेस पे लगाना है। हल्के हल्के हाथों से मालिश ज़रूर करें इसे लगाने के बाद, जिससे कि ये रेमेडी का जितना भी गुडनेस है वो आपके आईब्रोज पर और आईलैशेस को लगना चाहिए, इसके अंदर जाना चाहिए ताकि इसका पूरा पूरा फ़ायदा आपको मिले। और इस रेमेडी को आप सोने से पहले लगाएं दोस्तों, हर रोज़ इस रेमेडी को लगाएं, कम से कम 15 दिन आप लगा कर देखें, आपको विजिबल रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये रेमेडी जो है दोस्तों 100% इफेक्टिव रेमेडी है। इस रेमेडी को ज़रूर आप ट्राई करें और साथ ही मुझे कॉमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, रेमेडी अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाए। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।